हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, पहला नमस्कार। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और हम भी एकदम मस्त है। सो मेरे नए दिन की शुरुआत होगी है सुबह के 10:30 बजे से, और अभी मैं थोड़ी देर स्ट्रेस करके उठी हूँ अभी। और अभी यहाँ पे जब हम कल मंदिर गए थे ना, उसके जो बर्तन होते हैं, हमने तो मंदिर में भी धोए थे, तो घर आके भी सब धोते हैं, तो वो सब धो रहे हैं। यहाँ पे आंटी लोग आ रखे हैं हमारे बर्तन के, तो आपको दिखाती हूँ गाइस। मम्मी आंटी लोग सब बर्तन धो रहे हैं कल के। ये भात का डेग, पूरी का, दाल का डेग, मीट का डेग, सब का डेग यहाँ पे धोए जा रहे हैं। यहाँ पे थालियाँ धो के साइड में रख दी हैं, सब धो रहे हैं। और क्या बोलते हैं, आज दिन के हमारे खाने में जो कल मीट कटा हुआ लेकर आए थे घर, वो बना रहे हैं। और जो मीट नहीं खाता है उसके लिए बनेगा झोली, और चावल तो वैसे ही बनाएंगे। तो ताऊ और पापा वहाँ मीट बना रहे हैं, और अभी मैं 11:30-12 बजे के टाइम पे बनाऊंगी झोली, क्योंकि गाइस मुझे भी ना मीट खाने का मन नहीं करता है, तो इसलिए जब मुझे मन करता है तब मैं खाती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं खाती हूँ। तो मैं भी झोली खाऊँगी, तो अभी देखते हैं और क्या क्या होता है। यहाँ पे सारे बर्तन धो दिए हैं, बस थोड़े से लगभग बच गई है, और सब धुल के यहाँ पे रख दिए हैं। इसमें से आधे से आधे बर्तन तो गाइस मैंने धो रखे हैं। मैंने अभी चुप यहाँ पे बैठ रखे हैं, और अभी हम यहाँ पे खा रहे हैं आम। तो यहाँ पे हम बैठ कर आम। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, पहला नमस्कार, कैसे आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज हम पूरा दिन गेस्ट को अलविदा करने में थे, वो अभी चली गई क्या? हाँ, तो फिर इस वजह से हमारा व्लॉग नहीं बन पाया, लेकिन हमने काफ़ी टाइम से सोचा हुआ था, क्योंकि बहुत से लोग के मेरे उसमें कमेंट्स आ रहे थे कि अपना कलेक्शन दिखाओ। तो मैंने आज स्टार्टिंग करी है कि जहाँ से मैं अपनी सारी ड्रेसेस बनवाती हूँ, और कुछ तो होता है कि मैं कपड़े लेके आती हूँ मार्केट से और फिर उनके पास स्टिच करवाती हूँ, और कुछ तो होता है कि मैं वहीं से कपड़ा खरीद के और वहीं से उनके वहाँ से खुद डिज़ाइन करके वो कपड़े मैं स्टिच करती हूँ। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ उसमें, कि ये जो मेरा पिछौड़ा था, ये मैंने शादी के टाइम पर लिया हुआ था, एक जो सिंगल वाला जो होता है ना, तो ये उस टाइप का पिछौड़ा था। तो ये कुछ टाइम पहले इसमें लेस नहीं लगी हुई थी, तो हाल ही में मैंने गोइनास कलेक्शन से वहाँ से इसमें लेस भी लगवा रखी है, ये देख सकते हो आप। तो अगर किसी को भी इस टाइप के अपने पिछौड़े में लेस लगवानी हो, मेरा क्या होता है ना, मोस्टली लोग लेस के चक्कर में महंगे पिछौड़े खरीद लेते हैं, क्योंकि आज के एक तो ट्रेंड में चला हुआ है ये लेस वाला, तो फिर जो ये वाले पिछौड़े होते हैं काफ़ी महंगे आते हैं इनकी लेस की वजह से। बट आप लेस खरीद के या फिर उनके यहाँ पे अवेलेबल अभी लेस, तो ये सब कुछ करके आप अपने पिछौड़े को एक सुंदर सा लुक दे सकते हो। तो ये जो मेरा एक छोटा सा, मतलब तब तो मेरे सर पे भी नहीं आता था, अभी पूरा एकदम यहाँ पे भी कवर अप हो जाता है और सर पे भी आ जाता है, तो ये मैंने हाल ही में करवा रखा है। और नेक्स्ट उसके बाद जो मैंने वहाँ पे दो ड्रेसेस दी थी, साथ में दी हुई थी, एक था ये फ्रॉक सूट, तो ये मरून कलर का काफ़ी प्रिटी सा है, मतलब ये तो मतलब मुझे बहुत प्यारा लगता है, मैं इसे बहुत बार ओकेजनली पहनती भी हूँ, और ये मुझे मेरा सबसे सुंदर आउटफिट लगता है इसका कलर। और जब मैंने फर्स्ट टाइम पहना था तो मतलब सभी लोगों ने मतलब बहुत तारीफ की थी इस चीज़ की, तो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, और मैंने प्रियांशु के बर्थडे के टाइम पर पहना हुआ था। ये मैंने कपड़ा उन्हीं से ख़रीदा और उन्हीं से मैंने डिज़ाइन करवाया। तो इस कपड़े की मतलब ये मैंने यहाँ से चूज़ किया कि मैंने इंस्टा में एक बार फोटोज़ देखी हुई थी, तो मुझे वो फ्रॉक सूट चाहिए हुआ था, बट मुझे ऑफलाइन मतलब सॉरी ऑनलाइन जो शॉपिंग होती है उस पर ज़रा सा भी ट्रस्ट नहीं होता, क्योंकि एक बार मेरे साथ स्कैम हो चुका है तो मैं ट्रस्ट नहीं करती हूँ। तो उसके बाद मुझे था कि मैं मंगवाऊँ नहीं मंगवाऊँ, बहुत सारे पेज थे इसमें इंस्टा में जहाँ पे फ्रॉक सूट मिल रहा था, तो मैंने वहाँ पे पूछा कि भाभी ऐसा बन जाएगा, तो उन्होंने कहा कि हाँ बन जाएगा। तो
मैंने ट्रस्ट किया उनको, दिया पूरा ट्रस्ट अपना, जो मैं चाहती थी जो आउटफिट मैं पहनना चाहती थी वो मैंने पूरा ट्रस्ट करके उनको उन पे जिम्मेदारी सौंपी। और रियलिटी में ये काफ़ी सुंदर बन के आया, जैसा मुझे चाहिए था, जो कलर मुझे चाहिए था, जो दुपट्टा मुझे चाहिए था, सेम एग्जैक्ट उन्होंने वहीं बना के दिया। और ये रहा ब्लू कलर की एक जो साड़ी जो मैंने हाल ही में होम टूर में पहनी हुई थी, तो ये भी बहुत सुंदर साड़ी है, इसी कलर में मैंने अपना फ्रॉक सूट भी बनवाया था क्योंकि मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो आप ये साड़ी भी देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है। एक्चुअली मार्केट में ये साड़ियाँ सिर्फ साड़ी का कपड़ा और ब्लाउज का कपड़ा 2-2.5 हज़ार की मिलती है, बट अगर आप वहाँ पे जाओ विजिट करो तो आपको कम प्राइस में भी मिल जाएगा, और जैसा कपड़ा आप चाहते हो, जैसा डिज़ाइन आप चाहते हो वैसा भी बन जाएगा। तो एक साड़ी ये है और इसके हैं फुल स्लीव्स, ये इसका ब्लाउज है और इसके ब्लाउज का भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर पैटर्न है, और उन लोगों की स्टिचिंग भी बहुत अच्छी लगती है मुझे। मेरे सारे कपड़ों में तो ऐसी कोई भी शिकायत नहीं आई कि मुझे यहाँ पे उन्हें किसी भी चीज़ के लिए शिकायत करना पड़े कि आपने मेरी ड्रेस ये कर दी वो कर दी, तो मेरे लिए तो ऊपर से एकदम परफेक्ट ड्रेस बन के आई। और उसके बाद ये सुंदर सी साड़ी, इसके कपड़े को क्या कहते हैं, जिम्मी चू। तो ये बहुत सुंदर साड़ी है गाइस, ये क्या था हमारे गांव में शादी थी तो तब के लिए मैंने बनाई थी, बट उस टाइम में मैं मायके चली गई थी क्योंकि मेरा कुछ पूछना था वहाँ पे, तो ये साड़ी मैंने वहाँ के लिए बनाई थी। और इस साड़ी को मेन बनाने का पर्पज़ ये था कि जब मेरे हस्बैंड घर आएंगे मैं तब इसे पहनूंगी, लेकिन तब तक ये साड़ी जो थी वो रेडी नहीं हो गई थी, तो फिर मैंने कहा कोई नहीं उस दिन फिर जो मम्मी ने मुझे जो बिटोले में सूट दी थी वही मैंने पहन ली थी। तो ये साड़ी ना गाइस मुझे बहुत सुंदर लग रही है, मतलब मुझे अब मैं इसे पहनूंगी ना कुछ अपने स्पेशल डे में ही पहनूंगी। हम लोगों ने सोच रखा है, एक ड्रेस फिर उन्होंने भी बना रखी है और एक ड्रेस मैंने भी बना रखी है, तो हम बहुत जल्दी एक ऐसा दिन आने वाला है फिर उस दिन हम इसको ज़रूर पहनेंगे, शायद उसके लिए अभी 1-2 महीना जितना भी लगेगा उसी दिन हम इस ड्रेस को पहनेंगे और फिर इसका फुल रिव्यू, तब तक मैं इसको नहीं पहनूंगी गाइस। मैंने सोचा ऐसा कि जिस दिन होगा मैं उसी दिन इसको पहनूंगी, और ये बहुत सुंदर साड़ी है, बहुत 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 ज़्यादा सुंदर। और ये जो साड़ी का जो कपड़ा है वो आजकल वहाँ पे अवेलेबल है, तो इसमें बहुत सारे कलर भी आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे, तो आपको ये सभी कंट्रास्ट मिक्स करके आप देख लीजिएगा कि किसके साथ क्या मैच करेगा, तो मिक्स मैच करके आप ब्लाउज और एक जिम्मी चू की सुंदर सी साड़ी आजकल ट्रेंड में भी चली हुई है तो आप इसे भी बनवा सकते हो। और नेक्स्ट उसके बाद है, ये है मेरी करवा चौथ की साड़ी, तो इसका जो कपड़ा वो जॉर्जेट का ही है जो ब्लू कलर का, और ये साड़ी सेम है बस कलर अलग अलग है। तो ये जो मैंने साड़ी बनाई थी वो करवा चौथ के लिए बनाई थी, और ये साड़ी उनके वहाँ काफ़ी ज़्यादा मतलब बनवाई भी लोगों ने बाद में, तो ये भी बहुत सुंदर साड़ी है, ये भी मैंने ऑनलाइन देखी हुई थी और मुझे पसंद आई तो मैंने उन पर ट्रस्ट किया, और उनको पूरा मतलब एक होता है ना फर्स्ट करवा चौथ है तो एक लड़की के बहुत सारे ख्वाब होते हैं, तो मेरा भी था कि मैं इस टाइप की कुछ साड़ी पहनूं कुछ और रेड ये वो, तो वैसे ही मुझे जैसा मैं चाहती थी वैसा मुझे मिला। और ब्लाउज भी उन्होंने काफ़ी सुंदर स्टिच किया हुआ था, इसका पैटर्न ही मतलब जो इसका नेक था एकदम डायमंड नेक बहुत सुंदर सा लग रहा था, और सभी ने अप्रिशिएट किया कि जो तुमने साड़ी पहनी हुई थी वो ज़्यादा सुंदर लग रही हुई थी। तो ये भी मैंने गोइनास कलेक्शन से अफोर्ड करी हुई है, तो ये रहा। और हाल ही में मैंने वहाँ से सरवाइव, उसके बाद हाल ही में मैंने वहाँ पर से ये कुर्ता स्टिच करवाया, तो वैसे तो मेरे बाप जो भी कपड़े होते हैं मैं वहीं से स्टिच कराती हूँ, और ये कुर्ते का जो कपड़ा है वो मैंने वहीं से ख़रीदा है, और मोस्ट वेरी ब्यूटीफुल साड़ी जिसमें मैंने अपनी वेडिंग का जब हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी थी तो उसमें मैंने शूट किया था, तो वो इस साड़ी में क्या होता है ब्लैक साड़ी, और ये भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। और ये कोई मैंने मार्केट से नहीं खरीदी थी, वो भी वहाँ पे कपड़ा पड़ा हुआ था तो काफ़ी टाइम से मेरी नज़र थी वहाँ पे, तो मैंने ऐसी बनाई थी, मैंने कोई सोचा नहीं था कि मैं ऐसे फोटोशूट वगैरह करवाऊँगी, तो नॉर्मली मैंने बनवाई और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगी। इसके साथ मैंने ये ब्लाउज बनवाया था, तो ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर साड़ी है। और साथ ही मैं जो ये साड़ी मैंने पहनी है ये भी मैंने गोइनास कलेक्शन से परचेस की हुई है, तो इसका मैं आपको फुल रिव्यू दिखाती हूँ। इसमें जो कढ़ाई है और इसका जो कलर है वो इतना ज़्यादा सुंदर है, तो कम क्लोजर, तो गाइस आप देख सकते हो इसमें ये कह सकते हो कि जो ट्रेडिशनल वाइब आ रही है इसमें, मतलब ये आप हल्दी में भी इजीली ग्रैब कर सकते हो, और ओकेजनली कोई भी फंक्शन वगैरह हो तो उसमें भी आप एक ये जो ब्लैक और जो येलो का जो कंट्रास्ट है ना
बहुत ऑसम लग रहा है गाइस। सो जरूर विजिट कीजिएगा गोइनास कलेक्शन में, और वहाँ पे एक चीज ये है, और गाइस मैं कोई यहाँ पे पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये मेरा एक पर्सनल जो मेरा क्या कह सकते हैं उसे थॉट, जो मेरी पर्सनल थिंकिंग है वो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे लोग के मैसेज आते हैं कि अपनी साड़ियों का रिव्यू दो मतलब, और हमें बताओ कि आपने कौन सी साइट से खरीदी है। तो गाइस मैं ऑनलाइन कोई भी साड़ी नहीं खरीदती हूँ, बहुत कम साड़ी, एक ही साड़ी मैंने खरीदी थी और उसका लिंक मैंने आपको भेजा था, बाकी मैं कोई भी साड़ी ऑनलाइन नहीं बनवाती हूँ, मैं सारी साड़ियाँ गोइनास कलेक्शन से परचेज करती हूँ, कुछ साड़ियाँ और कुछ साड़ियाँ मैं मार्केट में अगर मुझे पसंद आती है ऑन द स्पॉट, अगर मुझे कोई पसंद आ जाए तो मैं ऐसे लेती हूँ। और कोई आपने देखा होगा कि आज तक मैंने इतने सारे ब्लॉग बनाए, पर मैंने कभी ऐसा नहीं बनाया कि मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, तो मेरा ऐसा कुछ नहीं रहता। अगर मैं नॉर्मली जाती हूँ मार्केट, अगर मुझे पसंद आ जाए तो मैं ले आती हूँ, और अगर गोइनास कलेक्शन में भी मैं जाती हूँ, ऐसा कई बार हम लोग के साथ हुआ है कि हम किसी और वजह से जाते हैं और कुछ और चीज़ें हमें वहाँ पर पसंद आ जाती है तो मैं उसे खरीद लेती हूँ। तो मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं एक अपना थिंक लेके जाती हूँ कि मुझे ये चीज़ आज खरीदनी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप गोइनास कलेक्शन में वो लोग होम डिलीवरी भी ऑर्डर करते हैं, तो आप कोई भी कहीं पे भी हो तो उन्होंने हिनू ब्लॉग्स और हिमानी कुरंगा बहुत उन लोगों की जो इन्फ्लुएंसर हैं उन लोगों की ड्रेस भी उन्होंने बनवा रखी है, और उनके जहाँ पे वो रहते हैं उनके होम एड्रेस में उनको डिलीवर भी कर रखे हैं। अगर मेरे पेज से भी अगर कोई जुड़े हैं और वहाँ से अपनी साड़ियाँ और वहाँ पे और भी बहुत सारे जैसे टॉप वगैरह बनते हैं और जंप सूट वगैरह बनते हैं, अपनी सासू मम के लिए मैक्सी वगैरह बनवाना चाहते हो, अगर वो चीज़ भी आप चाहते हो तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हो, और आपको वो ऑनलाइन कपड़े भी भेज देंगे कि मेरे पास यहाँ पे अभी ये कपड़ा अवेलेबल है, और वो आपको आपके घर तक डिलीवर कर देंगे, तो ये चीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल है। और थैंक यू सो मच, और जो भी मेरा और बाकी का जो भी कलेक्शन है वो भी मैं आप लोगों के सामने जल्द लेके आऊँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हमारी वीडियोज़ को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, थैंक यू सो मच।